हेलो पुडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 तोता आम, काला नमक, चाट मसाला, चीनी और भुना हुआ जीरा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हम होममेड बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे, अच्छे से धोकर इसे पीसेस में काट लेंगे। इसे आप मोटे मोटे पीसेस में काट कर मिक्सर ग्राइंड में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इसी तरह हम सभी पीसेस को मिक्सर ग्राइंड में डालकर पेस्ट बना लेंगे। सभी आम हमारे अच्छे से कट चुके हैं, तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए आम का पल्प कितने अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसे हम छान लेंगे ताकि कोई इसका मोटा पीस होगा वो छनकर अलग हो जाएगा। हम चम्मच से अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि मोटा पार्ट अलग हो जाए। देखिए धीरे धीरे हमारा जो है मैंगो का पल्प कितने आसानी से निकल रहा है। आप इसे लगातार चलाते रहें और इसका फाइनली पेस्ट निकाल लें। देखिए लगभग हमारा जो है मैंगो का पेस्ट है वो निकल चुका है। सारा पल्प निकल गया है। अब एक फ्राई पिन लेंगे, उसमें ये पल्प डालकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। हम इसे कड़छी से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए कितनी आराम से, इसे लगातार चलाते रहें, छोड़े ना। अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर 1 कप भर कर चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आप और चीनी ऐड कर लीजिए, अगर आपके आम मीठे हैं तो आप कम कर लीजिए, ये आपके आम पर डिपेंड है। हम आम में चीनी को अच्छे से घुलने देंगे ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी में घुल जाए। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए और अच्छा गाढ़ा पेस्ट बन जाए। धीरे धीरे चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि जो इसके आम के छींटे हैं वो अपने ऊपर ना आए। आधा ढककर ही पकाएं, पूरा ना ढकें। ढकने से क्या है, इसके छींटे हैं जो हमारे ऊपर भी नहीं आएंगे और हमारी रसोई भी गंदी नहीं होगी। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें हम 1 नींबू डाल देंगे। नींबू के रस से क्या है, जो हमारे आम पापड़ में चमक है वो और आ जाएगी और ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी, इसलिए नींबू ज़रूर डालना है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब हम अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि जो नींबू का रस है वो अच्छे से आम में मिल जाए। धीरे धीरे जो आम का पेस्ट है वो देखिए कितना गाढ़ा होता जा रहा है। लेकिन अभी हम इसे और थोड़ा सा चलाएंगे। लगभग ये हमारा बन चुका है। अब हम उतनी देर तक हम अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। हम यहाँ पर घी से इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जो आम का पेस्ट जो हम इसके ऊपर डालेंगे वो चिपके ना, आसानी से निकल जाए। हम ब्रश की सहायता से अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। हमारा आम का जो बल्ब है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में है। इसकी चाशनी भी अच्छे से बन गई है, ये देखिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक तार बन रही है। हमें इसी फॉर्म में इसे रखना है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। आधी चम्मच हम भुना हुआ जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पर काला नमक,
आधी चम्मच हम चाट मसाला और सभी मसालों को अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे। इससे क्या है, जो आम पापड़ का खट्टा मीठा टेस्ट है ना, वो और भी आ जाएगा और बहुत स्वाद भी लगेगा। तो अब हम इसे थाली में डाल देंगे। आप अगर किसी और बर्तन में डालना चाहते हैं तो उसे में डाल सकते हैं, बस उसमें नीचे पहले घी लगा लें ताकि वो चिपके ना। हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम पतला पतला सेम बाजार जैसा बना रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो गाढ़ा बन जाएगा और वो काफ़ी मोटा मोटा बन जाएगा, इससे क्या है पतला पतला बनेगा। हाँ, अब हम थाली को चारों तरफ से फैला लेंगे। ब्रश से हम चारों तरफ से इसे बराबर फैला लेंगे ताकि ये बराबर सभी तरफ से फैल जाए। अब हम इसे एक दिन के लिए धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो आप दो दिन के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए। देखिए हमारा जो आम पापड़ अभी कितना परफेक्ट बना है, ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। चलिए तो इसे निकालना शुरू करते हैं। हम चारों कोनों में पहले अच्छे से चाकू से ऐसे मार कर देख कर लेंगे इसके कोने अच्छे से निकल जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी से निकल रहा है और कितना पतला बना है और कितना ही ट्रांसपेरेंट बना है। बस आप थोड़ा सावधानी से इसे निकालें क्योंकि ये पतला है, जल्दी टूट सकता है। आप इसे हल्के हाथों से निकालें और ये देखिए ये कितना ट्रांसपेरेंट है, हमारा हाथ भी इसमें दिख रहा है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अब पीसीज में काट लीजिए और ये कितना चमकदार भी बना है क्योंकि हमने इसमें नींबू ऐड किया है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। आप अपने मनपसंद इस पे पीसीज में काट लीजिए। ये आपके घर पे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वो होममेड है तो हेल्दी भी है और बहुत ही सफाई से बना हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिए। उसका मैंने लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस रेसिपी को अपने परिवार और अपने बच्चों सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए और आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप इसे काट कर कितने मर्जी दिन के लिए फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और आपको पसंद भी आएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.